ये जो नो बॉल का रंडापा चला है ना कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के T20 मैच में, ये बहुत ही गलत हुआ है। नहीं मतलब यहाँ पे क्या बताओ, अर्शदीप सिंह को क्या भाई मेरे आपको खेलने का मन था कि नहीं था, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया था। इतना नो बॉल डाला है बंदा, 7 नो बॉल डाला है एक मैच में, इतना तो कोई अपना मतलब हिस्ट्री में नहीं डाला है यार, अपने करियर में इतना नो बॉल नहीं डाला जितना अर्शदीप सिंह ने डाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पे वो उठा रहे हैं कि भाई बोलो अर्शदीप सिंह के ऊपर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि कहीं ये बंदा मैच वैच फिक्स रहा तो नहीं आया था यहाँ पे। मैच वैच फिक्स हुआ था यहाँ पे शायद, मेरे को लग रहा है, मतलब मेरा नहीं, ये पब्लिक ओपिनियन है। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि इसका यहाँ पे जांच होना चाहिए अर्शदीप सिंह के ऊपर। अब देखो तुम पब्लिक चूतिया हो, यहाँ पे किसी भी का भी दिन यहाँ पे खराब हो सकता है। और ये बात मैंने, ये बात यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने बोला है, हार्दिक पांड्या ने बोला है कि किसी भी प्लेयर का दिन खराब हो सकता है और कोई भी प्लेयर नोबल डाल सकता है, पर कोई प्लेयर इतना फालतू नहीं है कि वो एक दिन में 7 नोबल डाले। आदमी एक नोबल डाला तो पता चलता है, 2 नोबल डाला तो पता चलता है, बट बंदा यहाँ पे बार बार नोबल डाला के बाद तो किसी को भी शक होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सही में अर्शदीप सिंह ने यहाँ पे मैच फिक्स किया था, बट बहुत ही गंदा यहाँ पे कल अर्शदीप सिंह ने खेला। वैसा यहाँ पे कोई प्लेयर हिस्ट्री में नहीं किया कि भाई एक दिन में 7 नोबल करना और उसके वजह से शायद इंडियन टीम मैच हारी। इस पर हार्दिक पांड्या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। वो ऐसा नहीं बोला कि मैं तुम पे ब्लेम कर रहा हूँ कि भाई तुम यहाँ पे पूरे मैच हराए हो, तुम ही हराए हो, नहीं ऐसा नहीं। सारे बॉलरों ने पिटवाया यहाँ पे, मावी ने भी पिटवाया, उमरान मलिक ने भी पिटवाया, बट एक होता है यार लिमिट नोबॉल का कि आप इतने बड़े लेवल पे आके ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप 7 नोबॉल एक मैच में फेंको। 7 नोबॉल मतलब 7 एक्स्ट्रा रन, और 7 नोबॉल में मान लो चौका पकड़ लो तो 28 रन, मतलब भाई 35-36 रन तो ऐसे फ्री में जा रहे हो और फ्री में दे रहे हो, और जैसे क्रिकेट में भाई एक एक रन की कीमत होती है। तो हार्दिक पांड्या यही बात बोला अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अर्शदीप सिंह को यहाँ पे NCA में जाना चाहिए वापस, रणजी ट्रॉफी वगैरह खेल के आओ भाई, यहाँ पे एक दो मैचेस खेलो, अपना परफॉर्मेंस फिर से सुधार के वापस आ जाओ। मेरे को नहीं लगता कि 30-20 मैच में यहाँ पे अर्शदीप को जो चांसेस दिया जाएगा राजकोट में, उसके जगह पे शायद हर्षल पटेल को ही वापस से लाया सकता है, क्योंकि हर्षल पटेल का पहला T20 में परफॉर्मेंस जो था काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस था, जिसके वजह से इंडियन टीम शायद जीतने में थोड़ी हेल्प हुई थी। हालांकि वो बात अलग है कि 19वें ओवर में उसने पिटा दिया था, वो बात यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अर्शदीप सिंह के ऊपर सारी पब्लिक पगलाई हुई है, मतलब भड़की हुई है। अर्शदीप सिंह को अभी यहाँ पे थोड़ा बेसिक पे जाके अपना काम करके आना चाहिए वापस।